वेलकम टू राइट इन्वेस्टिंग राइट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है लेट्स सिंप्लीफाई इन्वेस्टिंग टुडे वी आर गोइंग टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द टू कंपनी वन इज़ इजिंदर पॉलीफिल्स लिमिटेड एंड द सेकंड इज अ पॉलीफ्लेक्स कॉरपोरेशन ये दोनों कंपनी जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो है बिलोंग करती है राइट right नाउ दोनों ही कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है एंड बोथ द कंपनी कंपनीज आर स्ट्रॉग परफॉर्मर चलिए कंपनी का एक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं देखते हैं कौन सी कंपनी बेटर होगी फॉर द इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी बन रही है अच्छा रिटर्न जनरेट करने की तो आगे देखिए यहाँ पर मैंने जो है पैरामीटर वाइज दोनों कंपनियों के पैरामीटर्स ले लिए हैं कोर पैरामीटर फंडामेंटल ताकि आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिले कंपनी का कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी गुड है तो देखिए पहला कॉलम जो है जिंदल पॉलीफिल्स का दूसरा वाला जो है पॉलीफ्लिक्स का है तो मार्केट कैप के हिसाब से देखिए थोड़ा सा फ़र्क है मार्केट कैप जो दोनों कंपनी की जिंदल पॉलीफिल्स थ्री थाउजेंड एटी नाइन था। करोड़ की है वेजा पॉलीफ्लिक्स जो है फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू करोड़ की है गुड पार्ट क्या है अभी जिंदल पॉलीफिल्स का ये शेयर जो है अपने बुक वैल्यू से अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर बुक वैल्यू जो है वन थाउजेंड सिक्सटी की है एज यहाँ पॉलीफ्लिक्स में जो बुक वैल्यू वन थाउजेंडन हंड्रेड थर्टी वन के आसपास है सेकेंड गुड अपॉर्चुनिटी जो है जिंदल फिल्म में जो है इसका रिटर्न और कैपिटल इम्प्लॉड काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉलीफ्लिक्स आर जो है थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट है पॉलीफ्लिक्स का जो है ट्वेंटी नाइन परसेंट के आसपास है जिंदल पॉलीफिल्म का रिटर्न ऑन इक्विटी थर्टी फाइव परसेंट है वेरस पॉलीफ्लिक्स का जो है सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट के आसपास है एक थोड़ा सा डेट जो है यहाँ पर जिंदल पॉलीफिल्स का ज़्यादा है बट जो हमारा पैरामीटर है उससे जो है काफ़ी अभी नीचे की तरफ है डेट तो यहाँ पर जो है पॉलीफिल्म जो है काफ़ी अच्छी बाजी मारता है अब प्रोमोटर होल्डिंग जो है जिंदल पॉलीफिल्स में मैक्सिमम है 74.6 फोर पॉइंट पॉलीफ्लेक्स में जो है 51 परसेंट के आसपास है ईपीएस जिंदल पॉलीफिल्स की 345 के आसपास चल रही है फार मच बॉटर दैन पॉलीफ्लेक्स टू हंड्रेड के आसपास पॉलीफ्लेक्स से चल रही है दोनों कंपनी में जो है गुड पार्ट यह है कि कोई भी शेयर जो है प्लेज नहीं हुआ है शेयर ई एस एम लिस्ट में पॉलीफ्लिक्स ने जो हाई बनाया था वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन का बनाया था लो बनाया था सिक्स हंड्रेड एटी टू का और पॉलीफ्लिक्स ने जो बनाया था टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी का बनाया था लो बनाया था वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी टू का कंपनी के रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदल पॉलीफिम्स के रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी एट और पॉलीफ्लिक्स के जो है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटीन करोड़ के आसपास है डेट भी देखिए जिंदल पॉलीफिम्स का काफ़ी ज़्यादा है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी थ्री और यह है इसी क्वार्टर में जो है कंपनी ने डेट को जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है सेप्टेबर के क्वार्टर में वेर एज ए पॉलीफ्लिक्स का जो डाटा है ये 898 करोड़ के आसपास है स्टॉक भी दोनों के दोनों अट्रैक्टिव हैं बट अगर जिंदल पॉलीफिल्म का देखें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है 2.12 पॉइंट वन टू वेर एज पॉलीफ्लेक्स का सेवन पॉइंट इंडस्ट्री भी फोर्टीन है और पी जी रेशियो के हिसाब से भी जो है जिंदल पॉलीफिल्म जो है काफ़ी इंडिया अंडर वैल्यूड है पॉइंट के आसपास पॉलीफ्लेक्स uh, भी अंडर वैल्यूड है पॉइंट थ्री वन परसेंट बट जिंदल पॉलीफिल्म काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है देखिए ये दोनों सेगमेंट वैसे दोनों के दोनों डेफिनेटली कम्युनिटी केमिकल नहीं ये दोनों के दोनों पैकेजिंग इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती है एंट्री पॉइंट के हिसाब से जिंदल पॉलीफ्लिक्स अभी गुड है रेड फ्लैग अभी कंपनी में कोई भी नहीं है ना इसमें कंपनी ए एस एम जी एस एम लिस्ट में ना प्रोमोटर ने कोई भी शेयर प्लेस किया है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर जो है ओवर वैल्यूड है पॉलीफ्लिक्स की बात करें तो अगेन एंट्री पॉइंट इस कंपनी में भी अच्छा है और कोई भी शेयर जो है ए एस एम जी एस एम लिस्ट में नहीं है प्रोमोटर ने कोई भी शेयर को अपलेस नहीं किया है वेल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट है और दोनों कंपनी जो है मॉडरेट रिस्क है तो ऑलमोस्ट सेम ये है सेम कंपनी की जो है टेंडेंसी सेम है अब जरा सेल्स वाइज देख लेते हैं कौन सी कंपनी जो है बेटर परफॉर्म कर रही है तो अगर सेल्स देखें मार्च नाइनटीन में जो है जिंदल फिल्म की जो सेल थी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री करोड़ के आसपास थी तो ट्वेंटी टू में बढ़ के फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी एट करोड़ के आसपास हुई है वेराज पॉलीफ्लिक्स की जो है 4,570 करोड़ के आसपास थी जो सिक्स थाउजेंड करोड़ के आसपास हुई है तो सेल्स कंपनी की दोनों की सेम ही है ऑलमोस्ट सेम सेम पैटर्न में पड़ रही है अब देखिए जरा यहाँ है पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है जो जिंदल पॉलीफ्लम्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाइनटीन में जो है फोर हंड्रेड करोड़ का था ट्वेंटी में बढ़ के करोड़ के आसपास हुआ है वेरज पॉलीफ्लेक्स का जो 19 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 732 हंड्रेड थर्टी टू जो ट्वेंटी टू में बढ़ के वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट के आसपास हुआ है तो उस हिसाब से जिंदल ने इस पर्टिकुलर एरिया में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है बाजी मारी है अब अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जिंदल जो है एक अराउंड लेके आया है नाइनटीन में नाइनटीन में जो ये ए, नेट प्रॉफिट था नेगेटिव था फोर हंड्रेड नाइन करोड़ के आसपास एंड देन ट्वेंटी टू में बढ़ के वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स करोड़ के आसपास हुआ है वेयर एज द पॉलीफ्लैक्स जो है स्टेबल है नेगेटिव uh, uh, कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं था ये हम जो प्रॉफिट थी कंपनी के नेट प्रॉफिट था ये फाइव हंड्रेड एटी फोर करोड़ का था नाइनटीन में तो ट्वेंटी टू में बढ़ के नाइन हंड्रेड सिक्सटी फाइव करोड़ के आसपास हुआ है तो उस हिसाब से अभी देखें तो ये जिंदल का जो है नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा है ई पी एस जो है जिंदल फिल्स की जो है 19 में नेगेटिव थी माइनस नाइन्टी थ्री रुपीज़ थर्टी पैसे जो ट्वेंटी टू में बढ़ के टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री रुपीज़ पैसे के आसपास हुई है पॉलीफ्लेक्स नाइनटीन में वन हंड्रेड थ्री पॉइंट वन एट रुपीज़ के आसपास था जो ट्वेंटी टू में बढ़ के वन हंड्रेड एटी वन के आसपास हुआ है तो यहाँ पर भी जो है जिंदल पॉलीफिल्म को जो है आ, अच्छा परफॉर्म किया है ना और रिजर्व दोनों कंपनी कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ा रही है बट जिंदल पॉलीफिल्मस के रिजर्व जो है काफ़ी अच्छा तेज़ी से बढ़ रहा है नाइनटीन में जो रिज़र्व थे ये टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टीन करोड़ के थे जिंदल के जो ट्वेंटी टू में सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू में बढ़ के फोर करोड़ के आसपास हुए हैं वेरस के जो रिजर्व थे नाइनटीन uh, में टू थाउजेंड नाइन सेवन करोड़ के आसपास थे जो सितंबर में बढ़ के थ्री करोड़ के आसपास हुए तो रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक कंसर्न है जिंदल के साथ जिंदल ने जो अभी सेप्टेम्बर में जो है लास्ट सेप्टेम्बर में जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे इसमें जो है ये बोरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है वेराइज पॉलीफ्लिक्स की जो बोरिंग है जो अपना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अगर रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो दोनों कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छी है जिंदल की जिंदल फिल्म के जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है ट्वेंटी तो, वन में ये थर्टी टू परसेंट थी और ट्वेंटी टू में ये थर्टी सेवन परसेंट के आसपास हुई है वेर एज़ पॉलीफ्लेक्स की जो आर ओ सी है ये ट्वेंटी वन में ट्वेंटी सिक्स परसेंट के आसपास थी और ट्वेंटी टू में ट्वेंटी नाइन परसेंट के आसपास हुई है अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर एक डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो है जिंदल फिल्म में प्रोमोटर ने काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग ले रखी है तो ये रीज़न है कि शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है वेर अगर मैं पॉलीफ्लिक्स की बात करूँ यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग फिफ्टी है बट एफ की भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है वेरइस जिंदल पॉलीफिल्स में एफ़ की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और डी की भी इन्वेस्टमेंट जो है कम है वेर में जो है डी की इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है और अगर पब्लिक की बात करें तो जिंदल में जो है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एट परसेंट की जो है पब्लिक होल्डिंग है और वियर एज पॉलीफ्लेक्स में थोड़ी सी हाई है पब्लिक होल्डिंग थर्टी थ्री पॉइंट जीरो फोर परसेंट के आसपास अब देख लीजिए नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन सी कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर करिए एंड बिलीव में दिस इज अ वाइटली पैरामीटर अगर ये इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट जो है शेयर प्राइस में आता है अगर जिंदल पॉलीफिल्स की बात करें तो जून के बाद सेप्टेम्बर क्वार्टर में एक मैसिव जंप आया जून के बाद जो सेप्टेम्बर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था ये 1340 करोड़ के आसपास था वेरस पॉलीफ्लिक्स का जो नेट प्रॉफिट सितंबर वो क्वार्टर में डिप हुआ है 36.36 करोड़ के आसपास तो ये एक वर्टल पैरामीटर है इट कैन बी ए गेम चेंजर अब जरा पी वाइज कंपेरिजन कर लेते हैं तो अगर पी वाइज कम्पेरिज़न करें तो जिंदल पॉलीफ्लम्स का जो नेट प्रॉफ़िट है वो तो ज़्यादा है इन कम्पेरिजन टू पॉलीफ्लिक्स uh, um, और अगर पी ई रेशो की बात करें तो पी ई रेशो दोनों कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो ये आप दोनों कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं वेरज अगर uh, देखें कि वन ईयर के रिटर्न तो वन ईयर के रिटर्न में जो है जिंदल पॉलीफिल्म जो है फोर्टी फाइव परसेंट के नेगेटिव रिटर्न दिए वेरज पॉलीफ्लिक्स ने जो है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन फोर परसेंट के नेगेटिव रिटर्न दिया आर ओ सी जिंदल पॉलीफिल्म की काफ़ी अच्छी है थर्टी फोर पॉइंट फाइव और रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है जिंदल पॉलीफेंट की काफ़ी अच्छी है थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन के आसपास अब जरा कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कर लेना दोनों कंपनी जो है इस टैम पे जो है मिड रेंज में चल रही है कम तो जो जिंदल पॉलीफेंट्स के जो स्ट्रेंग एंड ट्वेल्व है वीकनेसेस सिक्स है अपॉर्चुनिटी फाइव और थर्ड जीरो है आर एस आई जो है थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स के आसपास चल रहा है और एम एफ आई थर्टी के आसपास वेर एज पॉलीफ्लिक्स की जो शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ जो है नाइन है वीकनेसेस फाइव है अपॉर्चुनिटी फोर है थर्ड जीरो है आर एस आई जो है फोर्टी सिक्स पॉइंट टू के आसपास चल रहा है एम एफ आई थर्टी सेवन पॉइंट एट के आसपास चल रहा है तो दोनों कंपनियां जो है अपने नियरली फिफ्टी टू वीक लो से जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और दोनों के दोनों में अभी आर एस आई जो है मिड रेंज में है तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जिंदल पॉलीफिल्म में जो है एक अपॉर्चुनिटी इस कारण बन रही है कि कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है बढ़ाया अब दिसंबर के क्वार्टर में अगर कंपनी अगेन अच्छा प्रॉफिट देती है अभी कंपनी के रिजल्ट एज ऑफ फ्रॉम डिक्लेयर नहीं हुए हैं दोनों कंपनीज़ के तो आप उस स्पेज पे दोनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इसी के साथ मेरा डिटेल एनालिसिस कंप्लीट होता है बट बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर शेयर और सम समदर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन बाय बाय